ब्यूटी ऑफ लिविंग में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम बनाएंगे साबूदाने के वड़े, वो भी बहुत ही आसान तरीके से। आप इन्हें व्रत या उपवास में या चाय के साथ स्नैक्स के रूप में खा सकते हैं। तो चलिए जानते हैं इसके लिए हमें क्या चाहिए। मैंने यहाँ लिया है करीब 100 ग्राम साबूदाना। मैंने इसे करीब 2 से 3 घंटे के लिए पानी में भिगो दिया था। ये देखिए इस तरीके से फूल गए हैं। और मैंने लिए हैं 4 उबले आलू, धनिया, बारीक कटी मिर्च, जीरा और नमक। आप चाहें तो इसकी जगह सेंधा नमक भी ले सकते हैं। और मैंने ली है मूंगफली के दाने। अब मैं मूंगफली के दानों को इस तरीके से करके मिक्सर में डाल लूंगी और इसे बारीक पीस लूंगी। मैंने यह दाने भुने हुए लिए थे। अब मैं साबूदाने में इन आलुओं को मैश करके डाल दूंगी। इस तरीके से करके मैंने सारे आलुओं को मैश कर दिया है। अब मैं इसमें डालूंगी धनिया, मिर्च, जीरा और नमक और इन्हें अच्छे से मिलाऊंगी। इनको मिलाने के बाद अब मैं इसमें ऐड करूंगी मूंगफली के जो हमने दाने पीस लिए थे उसी पाउडर को। ये देखिए अब मैं इसे भी अच्छे से मिलाऊंगी। अब इसे अच्छे से मिक्स करके रख लेंगे। अब मैं अपने हाथों में हल्का सा तेल लगाऊंगी और चम्मच से लेके इस मिक्सचर को सेव दूंगी। इस तरीके से करके मैं इसकी गोलियां बना के रख लूंगी। ये देखिए दोस्तों इस तरीके से हमारे वड़े का शेप तैयार है। अब मैंने एक पैन में तेल गरम किया है। तेल गरम हो जाने के बाद मैं उसमें ये साबूदाने के वड़े इस तरीके से डाल दूंगी। अब मैं इसे करीब 3 से 4 मिनट तक एक तरफ पकने दूंगी। 3 से 4 मिनट के बाद मैं इन्हें हल्का सा पलटूंगी इस तरीके से। इस तरीके से करके हम सारे वड़ों को पलट लेंगे और दूसरे साइड भी हल्का लाल होने तक पकने देंगे। ये देखिए दोस्तों इस तरीके से हमारे वड़े पक गए हैं। मैंने इधर उधर पलटती रहूंगी। ये देखिए दोस्तों हमारे क्रिस्पी वड़े तैयार हैं। अब मैं इन्हें एक प्लेट में निकाल लूंगी। अब इस तरीके से करके मैं अपने सारे वड़ों को निकाल लूंगी। ये देखिए दोस्तों हमारे साबूदाने के वड़े तैयार हैं। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।